पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी किसानों पर बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ वो रहें और वो खुद भी किसान है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। लेकर आंच आएगी तो किसानों नु अपना गढ़ बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आन देगी। ये किसानों की सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान की फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान की फसल आएगी तो मजदूर नूं खेत च काम मिलता है, किसान की फसल आएगी तो किसानी तो पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है और ऐसी सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते। लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होने देवांगे, ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करते हैं किसान संघर्ष का, ते अपील करते हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जाए जिहड़े काले कानून है, ते असीं इहदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसी बलछड़ रखे, बिना किसी अहुदे दा लालच करे किसानां दे नाल खड़ा। अगली मेरी बेनती है कि मैं नहीं सुनना, तो ना मेरी हाई कमांड ते मेरे लीडर सुनना चाहते, ना मेरे MLA सुनना चाहते कि पंजाब दे विच कोई रेता माफिया भी हैगा। अज ही यदा फैसला कर देंगे कैबिनेट दे विच, अज ही फैसला कर देंगे। जेड़ा बहुत जरूरी है किसानों का, खेतों की बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहिए है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े है, 20-20 लाख दे, 50-50 लाख दे, सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज्जी मीटिंग दे विच। गरीबां नूं बोले सो निहाल, किसी गरीब का कनैक्शन इस करके नहीं कटेगा कि जी उहदा बिल देना है, जिहदे पिछले 5 सालां दे विच या 10 सालां दे विच किसी का कनैक्शन कटिया गया कि इहदा बिल रहिंदा है, वो सारे बिल माफ करके उहदा कनैक्शन लगेगा। गरीब 31 अगस्त तक जेडे किसी का भी गरीब का, वो असी तय करांगे अज कैबिनेट दे विच साडी हाई कमांड के अनुसार, लेकिन उन्होंने बिल दोबारे चला के हिसाब किताब बराबर कर देना, बिल पाड़ देने, अगे नूं बिल नहीं आना। ते नाल नाल पानी माफ, बिजली की मैं गल कर ली है, शहरां दे विच वाटर सप्लाई ते सीवरेज 200 गज तक दे या 150 गज तक दे जिवें फैसला होएगा उन्हां तों नहीं लिता जाएगा। ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी दी गल्लां करनियां सौखियां, लेकिन असीं उन्हां दे नाल खड़ना है। ये पब्लिक लोकां दी सरकार है, पंजाब दे लोकां दी। इस सरकार दे विच कोई ये नहीं कहेगा मेरी सरकार है या साडी सरकार है, ये सरकार पंजाब दे लोकां दी है, इन्हां ने सानूं बनाया। बहुत फैसले लेने हैं असीं पंजाब दे हित दे विच। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो उन्होंने पानी दे राखे भी कहा गया है, लोगों ने उन्होंने हर प्यारता भी दिती है। साड़ी पार्टी के लीडर हैं, जो काम अजे टाइम बचता सी अधूरे रह गए हैं, ऐसी करांगे। जेड़ी गल ऐसी कही है कि आ मुद्दे रहिंदे हैं, हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है, वो एक एक करके हुणे पूरे होणगे, अगे नहीं पावांगे। ना बरगाड़ी अगे पेगा, ना कोई होर अगे पेगा, गणाउण दी लोड़ नहीं, तुहानू सारे पता मैं गणाउंदा ही रहा पिछले 6 महीने या साल।
ये मुद्दे सारे हल होने हैं। किसी नाल दरायत नहीं होनी इस सरकार वालों, कोई बिंडाटा किसी नाल नहीं, किसी नाल लड़ाई नहीं, लेकिन गुरु वास्ते सारा कुछ हाजिर है। संविधान के अंदर ही होएगा सब कुछ, किस कुछ भी किसी नाल कोई गलत नहीं होएगा। ये मैं थोनों आज गरंटी देना चाहता पंजाब के लोगों को, किसी का एक भी बंदा मेरे जब तक एक यह सरकार बैठी है लोगों की नजायज़ थाने च नहीं जाएगा। पारदर्शी सरकार दिती जाएगी, कोई थानेदार मुंशी किसी बंदे नूं नजायज़ तंग नहीं करेगा, सारयां नूं इंसाफ मिलेगा। दोषी अंदर जाणगे चाहे वह कोई भी होवे, चाहे किस दा वड्डा होवे चाहे छोटा हो, किसे सब वास्ते कानून इक। ये नहीं है कि जी वड्डा आया तो सारा कुछ ठीक है, तहसीलां दे विच बिल्कुल सही तरीके नाल काम चलेगा, या मैं रहांगा या फिर नहीं तो वो रहणगे। ईमानदारी पल्ले रखी हुई है, लोई लेके आउंदा लोई लेके घर चला जावांगा, लेकिन ईमानदारी सरकार नहीं छड़ेगी, मैं कल्ला नहीं, सरकार ते चलेगी ईमानदारी। अरे पारदर्शी थोड़ा असं दिखावांगे इस तरह हो रही है। तो मैं एक, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरा भरा डॉक्टर है, मेरे घर च भी बहुत सारे कर्मचारी है। मेरी वाइफ जब बिजली का बिल आता मैनू मेरे वालू देखण लग जाती। देखा आपने कि चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को याद करते हुए भावुक हुए, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और पहले भी थे, और हम किसानों की हर परेशानी को दूर करेंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।